अस्सलामुअलैकुम, क्या आप भी अपने गूगल अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर शो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन योर डिवाइस। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम है क्या और इसे हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इसकी मदद से आप आसानी से इस प्रॉब्लम को 100% सोल्व कर सकोगी और अपने इस अकाउंट को अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन कर सकोगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन योर डिवाइस, इसका मतलब है कि ये अकाउंट ऑलरेडी आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है, तो आप इसे दोबारा से लॉगिन नहीं कर सकते। तो चलो जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से फिक्स करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल के अंदर अपना सेटिंग ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना सेटिंग ओपन कर लेता हूँ और सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा अकाउंट एंड बैकअप नाम की। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं अकाउंट एंड बैकअप लिखा हुआ है यहाँ पर। शायद हो सकता है कि आपके मोबाइल के अंदर सादा अकाउंट का ऑप्शन शो हो जाए या अकाउंट एंड पासवर्ड का ऑप्शन शो हो जाए, तो सिंपल से इस ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन शो हो जाएगी मैनेज अकाउंट, तो सिंपल से इस मैनेज अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी अकाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब दोस्तों जो भी अकाउंट आप लॉगिन करना चाहते हैं और उस अकाउंट के अंदर आपको प्रॉब्लम शो हो रही है, तो सिंपल से उस अकाउंट को आप यहाँ पर ढूंढ लीजिए। तो मेरा इस वाले अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था, आप देख सकते हैं, तो इस पे क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि ये अकाउंट है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अकाउंट। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा रिमूव अकाउंट का, तो सिंपल से रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। रिमूव अकाउंट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक और रिमूव अकाउंट का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो सिंपल से इस पे क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों ये अकाउंट आपके मोबाइल से मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएगा। अब दोस्तों दोबारा से हम अपना जीमेल या प्ले स्टोर ओपन करते हैं और उस अकाउंट को लॉगिन करते हैं। तो मैंने अपना जीमेल ओपन किया, यहाँ पर मैं गूगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चेक इन इन्फो आ जाता है, यहाँ पर मैं अपना फिंगर लगा लेता हूँ। फिंगर लगाने के बाद लॉगिन का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो यहाँ पर उस अकाउंट को डाल दीजिए। तो फटाफट यहाँ पर मैं उस अकाउंट को डाल लेता हूँ। यहाँ पर अकाउंट डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, तो जैसा आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड का जगह आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो 100% सोल्व हो चुका है। तो गाइस इसी तरह से आप लोग गूगल अकाउंट का ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज।